आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट पाउंड केक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें हर आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए। आज मैं केक अवन में नहीं बनाऊंगी, स्टोव में बनाऊंगी। चॉकलेट पाउंड केक के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/4 कप इसमें कोको पाउडर है, 3 टेबल स्पून गर्म पानी है, 3 अंडे हैं, 1 1.5 टी स्पून इसमें वनीला एसेंस है, 1 1/4 कप्स इसमें ऑल पर्पज फ्लावर है मैदा, 1/4 टी स्पून इसमें सॉल्ट है नमक, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर है, चीनी इसमें 175 ग्राम्स है, 13 टेबल स्पून इसमें बटर है अनसॉल्टेड बटर। सबकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन पे है। मैंने एक देगची ली, उसमें केक पैन रख दिया मैंने उल्टा करके और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। 20 मिनट्स के बाद मैं केक रखूँगी। बटर बीट कर रही हूँ मैं, चीनी शामिल कर दी, मैंने कैस्टर शुगर इस्तेमाल किए, पिसी हुई चीनी, अंडे शामिल कर दिए, वनीला एसेंस डाल दिया। सब चीज़ों को अच्छे से बीट करूँगी, मैदा शामिल कर दिया, गरम पानी शामिल कर दिया, कोको पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ और सब चीज़ों को बीट कर लिया मैंने। दो इस साइज़ के मैंने पैन लिए हैं, उसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। 30 से 35 मिनट्स में केक बेक हो जाएंगे। मैंने बैटर शामिल कर दिया है। शुरू में मैंने मीडियम फ्लेम पे मैंने देगची को गर्म कर लिया है, प्रीहीटेड कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी। इस तरह से टैप कर रही हूँ, इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डालूँगी। आपको चॉकलेट चिप्स डालनी है तो डालें, नहीं डालना आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से मैं देगची पर रख दूँगी एक एक साइड पे और ढक्कन बंद कर दूँगी। ये बहुत मज़े के केक हैं, इसे ज़रूर आप घर पे ज़रूर बनाएं। इतने सॉफ्ट होते हैं ये, बहुत ही मज़े के हैं। केक तैयार है। इस तरह से लाइन आनी चाहिए, पाउंड केक के अच्छे होने की निशानी है कि इस तरह से केक फटता है बीच में से। और आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें हर आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए। आगे इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं।